नईमाबाद में कार में जाने वाला आदमी को रोक के उसको कत्ल किए। उसमें ये जो इंतकाल हुआ वो जो मारा गया उसका नाम है आमिर बिन अली जुबैदी, प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन सलाला बारकस। और जो मुजरिम है इसमें चार लोग आइडेंटिफाई है, उनका भी आज गिरफ्तार किए। रईस जाबरी, आदिल जाबरी, सईद जाबरी, साद बिन साले जाबरी, ये चारों बाया उसके। इसमें क्या है कि पहले ये आदमी हामिद जुबैदी दुबई में रहता था और ये चारों लोग भी दुबई में ही रहते थे। इनका हामिद जाबरी इज़ ए परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड ऑफ दुबई ऑल्सो, एंड कभी कभी इंडिया आता था अपने फैमिली को देखने के लिए, लेकिन ये लॉकडाउन के वजह से आके ही रुक गया। जो अप्रैल मई में जो 6 महीने पहले जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद फ्लाइट्स भी कम हो गए, तो यही रह गया। 2019 में जब ये चारों मुजरिम ये वन जो है मुजरिम रईस जाबरी दुबई से आने के टाइम पे उसको कुछ सामग्री दिया हामिद जाबरी इंडिया ले जाने के लिए, और ये शमशाबाद एयरपोर्ट में उनको चेकिंग के वक्त वो उसको उसमें पता चला कि वो गोल्ड स्मगलिंग कर रहा था। वो जो आर्टिकल्स है इसमें गोल्ड छुपा हुआ है और उस पर एक केस बुक हुआ 2019 जनवरी 5 को जमशाबाद कस्टम्स के केस। उसके बाद वो पूरी उसका पासपोर्ट इम्पोर्ट किया गया और जो उनका रोज़गार है दुबई में वो भी ख़त्म हो गया। उसी टाइम से उसका फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान हुआ। उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू मुजरिम लोग हामिद जुबैदी उनको प्रॉमिस किया कि उनको फाइनेंशियली हेल्प करेगा, उसको कोई और जॉब दिलवाएगा और केस में भी उनको मदद करेगा, पासपोर्ट वापस दिलाएगा करके वो उसको बोले। ये एक्यूज का वर्षन है। और तब से ये लोग नहीं मिले जुबैदी से, नहीं मिल सके हामिद जुबैदी से। देखिए रिसेंटली उनको पता चला कि ये लॉकडाउन टाइम से इंडिया में रह गया, तो उस दिन सुबह ये लोग जाके उनसे पूछे कि ऐसा आप वादा दिए हमको एक भी आप पूरे नहीं किए, बल्कि उसको वहाँ का उसको काउंटर किया उस टाइम पर, लेकिन वो पूरा मना कर दिया और बोला कि मैं कि वो किसी को नहीं जानता और ये किसी से कभी का कुछ कारोबार नहीं चला। इससे उनको फ्रस्ट्रेट हुए, ह्यूमिलेट हुए और उसको मारने का प्लान किया। और उसी दिन शाम को जब रोड पे उसको सुबह 11 बजे घर में इशू हुआ और शाम को 4 बजे उसको गाड़ी को रोक के वहाँ शाम को कत्ल किया। आज चारों को गिरफ्तार किए, उनसे दो टू व्हीलर्स जो ऑफेंस के टाइम पे उनको सीज हुआ, 2 चाकू और 4 मोबाइल फ़ोन सीज हुए। इसमें इन्वेस्टिगेशन में इंस्पेक्टर चंद्रनगुट्टा प्रसाद वर्मा, डीए फलकनमा रवि, डीए चंद्रनगुट्टा, एसआई गौस खान चंद्रनगुट्टा, एसआई जाकिर हुसैन चंद्रनगुट्टा, एसआई जय श्रीनु चंद्रनगुट्टा, कोर्धन रेड्डी चारों और अंडर द लीडरशिप ऑफ एसीपी फलकनमा मरीन सर। सब इनके घर वालों के नाई के वो जो मॉर्निंग में आके कंप्लेंट दिए थे कि इनको जान का धोखा है, तो वो किस हद तक सही है और उसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं होता? अगर वो एक्शन लेते तो ये मर्डर नहीं हो सकता। जी भी हो सकता है वो मॉर्निंग आके ऐसे ऐसे मिले और उस टाइम में बोले कि थोड़ा बिजी है, शाम में आने के लिए बोले और वापस घर चले जाके शाम को आते टाइम में ये हुआ, इसलिए उन पर एक्शन लिया, सख्त कार्रवाई किया, सस्पेंड भी किए
सर ये मॉर्निंग नंबर थ्री जब आए थे जुबेरी, यस, क्या आपका कंप्लेंट रजिस्टर हुआ था सर? पिटीशन दिया, पिटीशन इसमें केस करने के लिए कुछ इसने वो आके उसको धमकी दी है, हरासमेंट मेरे पे हो रहा है, घर पे भी आके अटैक धमकी दी। अगर वो केस रजिस्टर, वो कंप्लेंट पे केस रजिस्टर करना होता सर, तो कोर्ट कोर्ट से परमिशन लेके करना होता, नॉन कॉग्निजिबल कंटेंट्स में कंप्लेंट दिया सुबह, हरासमेंट था ना सर ये? वही हरासमेंट केस जो है वो कोर्ट परमिशन लेके केस बुक करना सर। ओके सर, ये गोल्ड केस जो उसके ऊपर हुआ था हामिद के ऊपर, वो इन्वॉल्व था सर जो स्मगलिंग में जो पकड़े गए थे, तो जुबेदी इसमें इन्वॉल्व थे? जुबेदी उनको दिए बोल रहे हैं, तो केस उनके ऊपर भी था सर? नहीं, लोग केस ओनली रईस जाबरी पर है, शमशाबाद कस्टम एयरपोर्ट कस्टम।